हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल न्यूज़ विद आईएएस में। और बीएड इंट्रेंस एग्जाम्स के साथ साथ वीएओ की परीक्षा पर एक बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। स्टूडेंट्स लगातार परीक्षाओं का विरोध कर रहे हैं और परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते होंगे वीएओ बीएड परीक्षा पर घमासान, मुख्यमंत्री योगी को लिखे पत्र, सैकड़ों की संख्या में किए गए ट्वीट और रीट्वीट। आपको पता ही होगा देश के गृह मंत्री कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है और रविवार को कोरोना संक्रमण के कारण तकनीकी शिक्षा मंत्री का भी निधन हो गया है। ये सभी लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे। ऐसे में जब प्रदेश की सड़कों पर लाखों की संख्या में आम अभ्यर्थी परीक्षा देने निकलेंगे तो उन्हें कोरोना से कौन बचाएगा। चंद दोस्तों, प्रतियोगी छात्रों ने ये सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को सैकड़ों की संख्या में ट्वीट और रिट्वीट किए हैं, साथ ही पत्र लिखे हैं और मांग की है कि बीएड की प्रवेश परीक्षा और इसके साथ साथ वीओ की प्रारंभिक परीक्षा समेत अगस्त में प्रस्तावित सभी परीक्षाएं कोरोना के बढ़ते संक्रमण तक स्थगित कर देनी चाहिए। बीएड की प्रवेश परीक्षा 9 अगस्त को प्रस्तावित है, वहीं बीओ की प्रारंभिक परीक्षा 16 अगस्त को होनी है। बीएड की प्रवेश परीक्षा में तकरीबन 5 लाख और बीओ की प्रारंभिक परीक्षा में 5.5 लाख अभ्यर्थियों को शामिल होना है। प्रांतीय सिविल सेवा मार्गदर्शक दुर्गेश सानलिंडल के नेतृत्व में प्रतियोगी छात्रों ने रविवार को शाम 4 से 7 बजे तक उत्तर प्रदेश का प्रतियोगी मांगे प्राण की भीख अभियान चलाकर मुख्यमंत्री को सैकड़ों की संख्या में ट्वीट और रिट्वीट किए। वहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ के निवर्तमान उपाध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर और CMP डिग्री कॉलेज छात्र परिषद के पूर्व अध्यक्ष करण सिंह परिहार ने राज्यपाल को ट्वीट कर बीएड प्रवेश परीक्षा स्थगित किए जाने की मांग की है। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि जरा सी गलती पर लोग कोरोना संक्रमित हो जा रहे हैं, इसके साथ ही संक्रमण जो है वो दिन दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जब लाखों छात्र परीक्षा देने निकलेंगे और परीक्षा केंद्रों में परीक्षार्थियों की जो भीड़ जुटेगी तो कोरोना संक्रमण का जो खतरा है वो तेज़ी से बढ़ेगा। एक चीज़ तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, जब भी एग्ज़ाम होगा, चाहे वो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम के टाइम पर सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं हो सकता। आप खुद सोच सकते हैं इस बात को कि एग्ज़ाम में किस टाइप की अफरा तफरी मस्ती है, स्टूडेंट्स किस टाइप से एग्ज़ाम देने जाते हैं और जब परीक्षाएं देकर बाहर आते हैं तो माहौल क्या होता है। ऐसे समय में कहीं पर भी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं किया जाएगा और निश्चित रूप से सैकड़ों की संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो संक्रमित हो सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते होंगे परीक्षाएं समय से हों और नौकरी जल्दी मिले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि छात्रों की जान को खतरे में डाल दिया जाए। तेज़ी से बढ़ रहे संक्रमण के बीच छात्र मानसिक रूप से भी परीक्षाएँ देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में छात्रों की सुरक्षा और उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए परीक्षाएँ स्थगित करना ही उचित है।